नमस्कार, स्वागत है आपका इटी नाउ स्वदेश में। मैं हूँ आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कि किस तरह का एक्शन था दिन भर आज के मार्केट में, कहाँ पर कौन से स्टॉक्स थे जहाँ पर कि आज एक्शन देखने को मिला, कहाँ पर तेजी थी, कहाँ मंदी थी। और इसके अलावा दिन भर की जो तमाम अहम खबरें थी वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले मार्केट का एक चेक ले लेते हैं। आज दिन भर हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र था, उतार चढ़ाव बना रहा, लेकिन जो क्लोजिंग हमने देखी वो दिन के निचले स्तरों से थोड़ी सुधार कर देखी है। 33 अंक नीचे लेकिन क्लोजिंग देखी गई निफ्टी में। वही बैंक निफ्टी हरे निशान में क्लोज हुआ, 75 अंक ऊपर चढ़कर करीब बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है। लेकिन आज पूरे दिन भर बाजार कैसा था इस पर और ज्यादा डिटेल्स ले लेते हैं। और मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरा एक्शन लेकर। मानसी, बताइए आज दिन भर किस तरह का कारोबार हुआ मार्केट में? बिल्कुल, देखिए दिन भर उतार चढ़ाव देखने के बाद आखिरी घंटों में बाजार ने यूं रिकवर किया कि क्या कहें, और आखिरी कुछ मिनटों में तो अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली और बैंक निफ्टी हरे निशान में भी बदलता हुआ हम देख चुके हैं। इस बीच अगर कुछ आउटस्टैंडिंग स्टॉक्स की बात करें जो आज दिन भर फोकस में रहे, कैनफिन होम्स लगातार हम डिस्कस भी कर रहे थे, दमदार फंडामेंटल्स, अच्छे नतीजों के दम पर यहाँ पर अच्छी तेजी पर काम का जो आने वाले दिनों में भी अगर क्वार्टर्स की बात करें तो एक्सपर्ट्स का यही नजरिया था कि तेजी जो है कैनफिन होम्स में लगातार बरकरार रहेगी। करीब 7% के अपमूव्स के साथ इस स्टॉक में क्लोजिंग हमने देखी है। इसके अलावा टाटा केमिकल्स, रूपा एंड कंपनी जैसे कुछ और स्टॉक्स थे जो कि आज अच्छी खासी तेजी के साथ क्लोजिंग अपने दिखा रहे थे। तो दिन भर में भी एक्शन यहां पर काफी अच्छा देखने को मिला। इसके अलावा निफ्टी के गेनिंग मोमेंटम वाले स्टॉक्स की अगर बात करें जहां पर सबसे ज्यादा तेजी या बाजार को सबसे ज्यादा संभालने का काम जिन स्टॉक्स ने किया, इंडसइंड बैंक लगातार ऑफकोर्स न्यूज बेस्ड इंपैक्ट था और अच्छी तेजी के बीच यहां पर कामकाज देखने को मिला। कोल इंडिया, टाटा स्टील, एचडीएफसी जैसे स्टॉक्स, स्टील स्पेस की अगर बात करें लगातार वहां पर भी हम देख रहे हैं काफी दिनों से चर्चा है और उस न्यूज बेस इंपैक्ट के चलते स्टील से जुड़े स्टॉक्स जो है वो लगातार फोकस में भी है। एक्सपर्ट्स का भी नजरिया लगातार स्पेस पर है और टाटा स्टील के तो नंबर्स भी हैं जिस पर फोकस रहने वाला है। इन सब के चलते हमने यहाँ पर एक्शन देखा। इसके अलावा अगर लूजर्स की बात करें, अपोलो हॉस्पिटल, आयशर, टाइटन, बजाज ऑटो, विप्रो जैसे शेयर्स इस सूची में शामिल रहे जहाँ पर लाल निशान के साथ हमने ट्रेड देखा। विप्रो के नंबर्स आते हुए हमने देखे, मिक्स सेट ऑफ नंबर्स थे कुछ हद तक जो यहाँ पर देखने को मिला। विप्रो के नंबर्स आने के बाद आईटी स्पेस आज दिन भर एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ और विप्रो में भी गिरावट के साथ ही ट्रेड्स देखने को मिले। इस बीच मिड कैप में गेनिंग मोमेंटम कहाँ पर देखने को मिला? देखिए, आज का दिन ही स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स का था, हालांकि आखिरी कुछ मिनटों में इंडेक्स ने भी परफॉर्म कर दिखाया, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स टाटा केमिकल्स, अजंता फार्मा, पेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे स्टॉक्स में भी देखने को मिली जहां पर अच्छी तेजी के बीच कामकाज दिखा। मिड कैप में लूजिंग मोमेंटम जो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, आरती इंडस्ट्रीज, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, डॉक्टर लाल पैथ और ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स में कमजोरी देखने को मिली। दिन भर बाजार में उतार चढ़ाव सेक्टर्स में भी देखने को मिला, लेकिन क्लोजिंग के वक्त ज्यादातर सेक्टर्स में हरे निशान के साथ ट्रेड्स नजर आए और सेक्टर्स ने अपने आप को संभाल लिया था जस्ट लाइक द इंडेक्सेस। सेक्टर्स स्पेसिफिक एफएमसीजी, मेटल, निजी बैंक क्षेत्र, फाइनेंशियल सर्विसेज में मेजर गेनिंग मोमेंटम देखने को मिला। अच्छी खासी बढ़त के साथ ये सेक्टर्स क्लोज होते हुए दिखे और बिकवाली का दबाव आईटी, सरकारी बैंक क्षेत्र, ऑटोमोबाइल स्पेस में देखने को मिला जहां लाल निशान के साथ बिकवाली हावी होती हुई रही। लेकिन जब बाजार ने फाइनल क्लोजिंग दिखाई, काफी ज्यादा सरप्राइजिंग वो क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन क्योंकि दिन भर जिस तरह से बाजार एक लगार्ड वे में काम कर रहा था, क्लोजिंग के वक्त उतने ही जोश के साथ बाजार में हमने अच्छी खासी रिकवरी और दमदार रिकवरी देखी और बैंक निफ्टी में हरे निशान के साथ भी क्लोजिंग। निफ्टी और सेंसेक्स ने भी अपने आप को काफी हद तक संभाल लिया था। एक दिन की छुट्टी है, देखना ये होगा कि बुधवार के सेशन में जब बाजार खुलते हैं तो किस तरह का असर वहां पर दिखता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मानसी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद एक अच्छी रिकवरी के साथ हमने क्लोजिंग देखी, लेकिन कल ईद के मौके पर भारतीय बाजार बंद रही है, उसके बाद देखना होगा कि क्या ये जो रिकवरी है वो बरकरार रहती है या नहीं। हालांकि आज हमने देखा कि एफएमसीजी, मेटल, प्राइवेट बैंक और फाइनेंशियल स्पेस के जो शेयर थे वहाँ पर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ मार्केट के एक्सपर्ट्स का व्यू भी आपको सुनवा देते हैं। आज दिन भर हमारी कुछ मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स से बात हो रही थी, जिसमें कि पीपीएफएएस एसेट्स के सीआईओ और डायरेक्टर राजीव ठक्कर ने हमसे खास बातचीत में कहा कि पुरानी टेक कंपनियों में गिरावट ज़्यादा बड़ी चिंता का विषय नहीं है, जबकि नई टेक कंपनियाँ गिरावट के बाद पुराने स्तर पर लौटेंगी इसकी उम्मीद कम है, इसलिए निवेशकों को चुनिंदा टेक शेयरों में निवेश की रणनीति अपनाने की राय यहाँ पर दी गई। मेरे ख्याल में जो पुरानी कंपनियां हैं जिनकी आमदनी अच्छी है, मुनाफे अच्छे हैं, उनमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10-15% गिरावट आई है, 20% गिरावट आई है,
और वो एक तरह से नॉर्मल माना जाता है, और जब फिर बाजार ऊपर जाएगा तो वो कंपनियां फिर ऊपर आ जाएंगी, और उनके जो नतीजे हैं 3 महीने के, जो मार्च एंडिंग क्वार्टर के जो नतीजे हैं वो भी अच्छे रहे हैं, और उसमें कोई चिंता की जरूरत नहीं है। जो स्टोरी स्टॉक्स है या जिनमें सिर्फ कहानियां हैं वो शायद फिर पुराने स्तर पर नहीं आएंगी, तो थोड़ा सिलेक्टिव रहना बेहतर रहेगा जब टेक कंपनियों में निवेश करते हैं। चलिए अब आप समझ लेते हैं कि ऑटो बिक्री के आंकड़े कैसे रहे हैं पिछले 2 दिनों में। लगभग सभी कंपनियों के अब ऑटो बिक्री के नंबर घोषित हो चुके हैं, और अप्रैल महीने के आंकड़े कैसे रहे ये भी समझ लेते हैं। सृष्टि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी के साथ। सृष्टि बताइए, अप्रैल महीने की बिक्री की बात करें और सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो वहाँ पे सारी ही कंपनी आने वाले समय में मांग काफ़ी मजबूत रहेगी ऐसा अंदेशा दे रही हैं। डिसेंट सेट ऑफ परफॉर्मेंस देखने को मिला है। M&M की अगर बात करें तो उन्होंने ज़रूर बताया कि चाइना लॉकडाउन के चलते उनकी सप्लाई चेन की दिक्कतें आ रही हैं और अनुमान से थोड़े कमज़ोर नंबर आते हुए ज़रूर दिखे हैं। बट वहीं अगर टाटा मोटर्स की बात करें, अनुमान काफ़ी ज़्यादा का था और वहाँ पे भी एक थोड़ा सरप्राइज देखने को मिला है। इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल स्पेस में कंपनी ने 2300 यूनिट से भी ज़्यादा गाड़ियाँ बेची हैं, तो अच्छे नंबर्स माने जाएंगे। और मारुति सुजुकी ने ठीक अनुमान के मुताबिक अपने नंबर्स दिए हैं, और उनका ये भी कहना है कि चिप शॉर्टेज और सप्लाई चेन की दिक्कतों के चलते उनके प्रोडक्शन आंकड़ों पर काफ़ी कम असर इस बार देखने को मिला है। तो आने वाले समय के लिए सारी ही कंपनीज काफ़ी पॉजिटिव हैं मांग को लेकर। अब अगर टू व्हीलर सेगमेंट की बात करें, मेरा कहना है कि जो उम्मीदें थी वो काफ़ी ज़्यादा लगाई जा रही थी, उसके मुकाबले उस तरीके का प्रदर्शन नहीं देखने को मिला। सबसे पहले बजाज ऑटो की अगर बात करें तो एक वो लौती कंपनी है जिसने महीने दर महीने ग्रोथ दर्ज की है लगभग 5% की। बट इसके अलावा अगर आयशर मोटर्स, रॉयल इनफील्ड और साथ ही हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो 7 से 8% का इनकी बिक्री में डिक्लाइन देखने को मिला है महीने दर महीने आधार पर। अब कमर्शियल व्हीकल स्पेस में आते हैं तो वहाँ पे एक ट्रेंड चेंज का हम असर देख सकते हैं, क्योंकि महीने दर महीने नंबर बढ़ते हुए नजर आए थे, बट इस बार सभी कंपनीज का प्रदर्शन देखे तो 30% से भी ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा जो निराशा हाथ लगी है वो अशोक लेलैंड के नंबर से लगी है। हालांकि टाटा मोटर्स और आयशर मोटर्स VECV का प्रदर्शन इतना खराब नहीं लगा है। और आखिरी में अगर ट्रैक्टर बिक्री की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। M&M ट्रैक्टर की बिक्री में करीब 32% की महीने दर महीने की बढ़त हुई है। वहीं एस्कॉर्ट्स ने अपनी अप्रैल महीने में सबसे ज़्यादा आज तक की बिक्री का आंकड़ा दर्ज किया है। 8300 से ज़्यादा गाड़ियां बेचती हुई नजर आई है। बिल्कुल, तो ये थे ऑटो बिक्री के आंकड़े और सबसे अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर टाटा मोटर्स का देखने को मिला है, वहीं मारुति के आंकड़ों ने काफ़ी निराश किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी मार्केट का एक्शन समझ लेते हैं, वहाँ पर किस तरह की चाल है इस वक्त कच्चे तेल में और सोने चांदी में क्या हो रहा है ये भी समझ लेते हैं। विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। विश्व मोहन बताइए। देखिए, कमोडिटी मार्केट में आज नॉन एग्री मार्केट की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। गोल्ड सिल्वर की बात करें तो 700 रुपये से ज़्यादा MCX पर टूट चुके हैं। चांदी में 1000 रुपये तक की गिरावट है। कॉमेक्स पर गोल्ड $1880 के नीचे आ चुका है। अब पूरी तरह से नज़र अब फेड की जो बैठक होने वाली है, कल से शुरू हो रही है बैठक, और 4 मई को फेड ये डिसीजन लेगा कि ब्याज दरों में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो ये इस पर बाजार की नज़र है। बाजार को अनुमान है कि 0.5% तक दरों में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा एक बड़े इवेंट और भी है, वो है जॉब रिपोर्ट को लेकर। नॉन फार्म पेरोल के जो रिपोर्ट है वो फ्राइडे को आएंगे, तो पूरा इवेंटफुल हफ्ता है पूरे बुलियन मार्केट के लिए। क्रूड की बात करें तो यहाँ भी शुरुआती सुस्ती के बाद अब बिकवाली बढ़ी है करीब करीब 3%। ब्रेंट अब टूट चुका है, $104 के आसपास आ चुका है। और कच्चे तेल को जो ग्लोबल ग्रोथ को लेकर जो चिंता है, चाइना में लॉकडाउन है, चाइना की जो फैक्ट्री एक्टिविटीज़ है वो 2 साल से ज़्यादा के निचले स्तरों पर आ गई है, वो चिंता का विषय है। और उससे क्रूड कीमतों पर दबाव है और वही चिंता पास ऑन हो रही है पूरे ही बेस मेटल्स काउंटर पर। 3 से 4% की गिरावट दिख रही है। एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा गिरावट है 3.5%। 3% से ज़्यादा की गिरावट हम जिंक में भी देख रहे हैं। 2% से ज़्यादा कॉपर टूट चुका है। लेड में गिरावट है। तो पूरे बेस मेटल्स नॉन एग्री मार्केट पर एक दबाव का माहौल आज दिख रहा है। जी ऑलराइट, ठीक है। तो ये रहा है कमोडिटी को लेकर आपको दे दी गई है। विश्व मोहन बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ नतीजों पर भी नज़र डाल लेते हैं जो कि अब आने वाले हैं। और इस बीच FMCG स्पेस की दिग्गज कंपनी ब्रिटानिया अपने नतीजे घोषित करेगी, और क्या अनुमान है नंबर से ये समझ लेते हैं। विनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ब्रिटानिया के से जुड़े नतीजे बताने के लिए। विनी बताइए, ब्रिटानिया के नतीजे कैसे रह सकते हैं?
ब्रिटानिया अपने Q4 FY22 के नंबर्स पोस्ट करने वाले हैं, वहाँ पे एक्सपेक्टेशन जो है रेवेन्यू ग्रोथ की अराउंड 10% की एक्सपेक्टेशन है, और मेनली ये जो ग्रोथ होगी वो प्राइसिंग लेड ग्रोथ होगी और वॉल्यूम लो सिंगल डिजिट में एक्सपेक्टेड है। तो प्राइसिंग लेड ग्रोथ है, वॉल्यूम है अराउंड लो सिंगल डिजिट, 2% की वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस है। नाउ वॉल्यूम ग्रोथ को क्या इम्पैक्ट कर रहा है, मेनली रूरल वीकनेस है, ग्रामेज रैशनलाइजेशन भी हुआ है उनके LUPs में, और उसके अलावा रिड्यूस्ड इन होम कंजम्पशन में भी ये फैक्टर्स जो है वॉल्यूम ग्रोथ को ओवरऑल इम्पैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी है, जो बॉटम लाइन बात करते हैं वहाँ पर डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है, 4% की डिक्लाइन है, और मार्जिन में प्रेशर तो बढ़ता ही रहेगा क्योंकि 14.7% पर मार्जिन एक्सपेक्टेशन है, तो वो है ओवरऑल कंपेयर करें लास्ट ईयर से तो 150 बेसिस पॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन। मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन क्यों है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ते ही जा रहा है, मेनली देखे वेजिटेबल ऑयल प्राइसेस, वीट प्राइसेस, यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ती रही है, उनके रॉ मटेरियल्स जो है मेन प्रोडक्ट है वो वहाँ पे इन्फ्लेशन अभी भी जारी है, तो उसका इम्पैक्ट मार्जिन्स पे आ रहा है। उसके अलावा मेनली जो कमेंट्री में है वो आउटलुक क्या है, आउटलुक रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन का क्या है, प्राइस हाइक्स का क्या आउटलुक है आगे जाते हुए, उसके अलावा कमेंट्री डाउन ट्रेडिंग कुछ दिख रही है कंपनी को, और कंपनी के कमेंट्री प्लान्स क्या है न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस पे, ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो वॉच आउट करेंगे। बिल्कुल, तो कमेंट्री कैसी रहेगी मैनेजमेंट की और मांग को लेकर किस तरह की सिचुएशन बन रही है, इन तमाम बातों पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और एक और नंबर आ रहा है टाटा स्टील का, टाटा स्टील के नतीजों से क्या अनुमान है ये भी समझ लेते हैं, और आशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और ज़्यादा जानकारी देने के लिए। आशीषा बताइए, टाटा स्टील के नंबर्स कैसे रह सकते हैं? क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर कंपेयर करें तो टाटा स्टील से हम इस क्वार्टर में फ्लैट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई मेजर ग्रोथ या डीग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं है टाटा स्टील से, बिकॉज स्टील प्राइसेस इस क्वार्टर में अच्छे थे, स्टील वॉल्यूम्स भी अच्छे थे, बिकॉज जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स के कारण इंडियन स्टील प्लेयर्स को अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन कोकिंग कोल प्राइसेस में भी हमने अच्छा खासा इंक्रीज देखा इस क्वार्टर में, और इसी के चलते बॉटम लाइन में थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है। नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 66,750 करोड़ के आसपास आ सकता है, जो 10% का ग्रोथ होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, और 33.5% का ग्रोथ होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एबिटा मार्जिन में हम थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन देख सकते हैं, 200 बेसिस पॉइंट्स का कॉन्ट्रैक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिक्वेंशियल बेसिस पर। कोकिंग कोल प्राइसेस इस क्वार्टर में नियरली डबल हो चुके थे, और इसी कारण बॉटम लाइन पे हम थोड़ा सा इम्पैक्ट देख सकते हैं इस क्वार्टर में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9,600 करोड़ के आसपास आ सकता है, जो 44.5% का इंक्रीज होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लेकिन फ्लैट नंबर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिक्वेंशियल बेसिस पर। बाकी नंबर्स की बात करें तो इस क्वार्टर में रियलाइजेशन एडजस्टेड एबिटा पर टन में हम 3,000 रुपीज़ पर टन का डिक्लाइन दे सकते हैं, और इसका कारण यही है कि इनपुट कॉस्ट स्पेशली कोकिंग कोल में हमने बड़ा जंप देखा। यूरोपियन बिजनेस की बात करें तो वो अच्छा रिपोर्ट कर सकता है इस क्वार्टर में, वो बिजनेस में अच्छी खासी तेजी देख सकते हैं, और इसका कारण ये है कि स्टील प्राइसेस अच्छे थे, स्टील वॉल्यूम्स अच्छे थे, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यूरोपियन बिजनेस के लिए इतना नहीं बढ़ा जितना इंडियन बिजनेस के लिए बढ़ा है। वैल्यूएशन की बात करें तो FY23 एक्सपेक्टेड अर्निंग्स पर 6.5-7 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, सो सिक्वेंशियली फ्लैट क्वार्टर हम इस बार टाटा स्टील से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीषा ये सारी जानकारी देखने के लिए। तो इस बार स्टील की कीमतों में जो शानदार बढ़ोतरी हुई है उसका कितना असर नतीजों पर दिखता है, और आने वाले समय के लिए क्या ट्रेंड होगा इस पर मैनेजमेंट का क्या कहना है, यहाँ पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन चलिए अब आपको एक और दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट का व्यू सुनवा देते हैं, मैक्रो फैक्टर्स के बीच बाजार की मौजूदा स्थिति पर राधिका राय का क्या कहना है, आइए आपको एक बार बता देते हैं। मुझे लगता है आई थिंक लिखने से इंसान को, चाहे वो जिंदगी में हो और निवेश में हो, और मैं आपको निवेश का भी बाद में एग्जांपल दूंगी, बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट मिलती है, क्योंकि हमारे दिमाग में इतने ख्याल होते हैं जब हम उन्हें लिखते हैं, तो वी आर फोर्स टू आस्क आवरसेल्फ्स क्वेश्चंस, खुद से सवाल करते हैं। दूसरी बात ये होती है जब आप लिखते हैं ना, तो आप वो बार बार रिविजिट नहीं कर सकते, खासकर बाजार की दुनिया में जहां बाजार इतनी जल्दी बदलता है, मुझे लगता है लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दो बातें लोगों से कहती हूँ, जहां तक निवेश की बात है और लिखने की बात है,
कि एक तो अपना जो फाइनेंशियल प्लान है, फाइनेंशियल गोल्स हैं, वो जरूर लिखा करिए. आप क्या चाहते हैं पैसे से, क्या नहीं चाहते हैं, आप कैसे फंड में निवेश करना चाहते हैं, आप कितनी रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि नहीं तो ना बार बार आप उसी बात को रिविजिट करते हैं. तो आई थिंक वन ग्रेट लर्निंग फ्रॉम बफेट इज ऑल्सो दैट राइटिंग गिव्स यू क्लैरिटी. तो जरूर अपने गोल्स का निवेश करिए, बल्कि हम तो अपने फंड्स में भी अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेसेस जो होते हैं, हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कब अच्छा करेंगे, कब बुरा करेंगे, ये हम लिखते हैं एक्चुअली हर फंड के लिए, और फिर शेयर भी करते हैं दुनिया के साथ. तो मुझे लगता है ये असल जिंदगी में भी और निवेश की जिंदगी में बहुत क्लैरिफाइड. बिल्कुल राधिका, दूसरा मैं सवाल जो आपसे पूछना चाहूंगा वो ये है कि आपकी आपकी एएमसी काफी इंटरेस्टिंग यूनिक फंड्स भी चलाते हैं. भले ही उनके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट छोटे हों, लेकिन उनकी अपील काफ़ी बड़ी है. जैसे कि ओवरसीज फंड्स हैं कुछ आपके, चाइना स्पेसिफिक फंड हैं. चाइना में दो तरह की चीज़ें हो रही हैं, एक तो उनकी इकोनॉमी थोड़ी स्लो हो रही है, और दूसरा कैपिटल मार्केट में भी एक अच्छा खासा करेक्शन हो के जा रहा है. वही चीज़ हम अब नैसडैक में भी देख रहे हैं. ग्रोथ का इशू आ गया US में, इन्फ्लेशन हाई, और नैसडैक काफ़ी करेक्ट हो रहा है. ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि लास्ट दो साल में नंबर ऑफ ओवरसीज ऑफरिंग्स फंड्स इंडस्ट्री में इंक्रीज ही हुए हैं, और बिग HNI और इवन एफ्लुएंट इन्वेस्टर की रुचि अपने पोर्टफोलियो को, एक्विटी पोर्टफोलियो एक स्लाइस ओवरसीज मार्केट में रखने की बहुत रुचि बढ़ी है. तो ऐसे समय में शायद यही सही समय है जब करेक्टिव फेज चल रहा है कि उन्हें उस तरफ देखना चाहिए. तो आपकी रिसर्च क्या बताती है इन दोनों रीजन में जो करेक्टिव फेज हो रहा है, क्या उसमें एलोकेशन बढ़ाना चाहिए ऐसे टाइम में इंडियन इन्वेस्टर्स को? तो मैं आपको दो बातें कहूंगी. एक तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि इन फंड्स में रुचि बढ़ रही है, लेकिन एंड हम एक्चुअली चाइना और US टेक जो कि हमारे फंड्स हैं, दे आर सम ऑफ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल फंड्स मार्केट में, क्योंकि ये पहले आए थे. लेकिन मैं दो तीन बातें कहना चाहूंगी जो मैं बहुत टाइम से कह रही हूँ कि निवेशकों को इनमें निवेश करना चाहिए, लेकिन बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए. इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग ना एक एसेट एलोकेशन जिसे हम कहते हैं, उसका एक हिस्सा है. अब इसका ये मतलब है कि कुछ साल ऐसे होंगे जब चाइना फंड आपका बहुत अच्छा करेगा, चाहे इंडियन मार्केट अच्छा नहीं कर रहा.